this channel is for education purpose and we do not recommend you to buy or sell any stocks before investing in our predictions please take advice from your financial advisor we are not responsible for any of your profit and losses so very good evening guys welcome back to our channel finvest आप उम्मीद है आप सभी के ट्रेडिंग डेज से जा रहे होंगे अगर नहीं जा रहे होंगे तो इस वीडियो को एंड तक देखेगा आपको काफी हेल्प मिलेगी अपनी ट्रेडिंग स्किल इंप्रूव करने में अपने लिए सही स्टॉक्स पाने में और 400 टू 700 की रेंज में स्टॉक्स में व्हाट्सएप पे प्रोवाइड करता हूँ तो डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा आप हमें कॉन्टैक्ट जरूर कर लीजिएगा कल किसी काम से मैं फंस गया था इसलिए मैं लेवल्स अपलोड नहीं कर पाया वीडियो नहीं बना पाया और ना ही मैंने टेलीग्राम चैनल पे लेवल्स अपलोड किए इसलिए आज मेरे पास रिव्यू करने के लिए कुछ नहीं है सिर्फ मैं आपको रूल्स और मैं बता दूंगा कल के लिए कौन से स्टॉक्स बेटर रहेंगे 18 मार्च टू थाउजेंड के लिए कुछ स्टॉक्स हमने सेलेक्ट किए हैं सबसे सब पहला हैवल्स है हेवल्स है आप बाय करके चलेंगे देखिए कुछ रूल्स होते हैं आप अगर मेरी स्टॉक में ट्रेड करते हैं तो उनके लेवल ब्रेकआउट्स पे आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है बाय आप करेंगे जैसे बाय का लेवल है हमारा 1061 का तो आप कैसे बाय करेंगे इसे 1061.50 पे आप इसे बाय करके चलेंगे टारगेट रहेगा रहे रहे 1066, जीरो और 1080 का स्टॉप लॉस रहेगा आपका रहे वन का शॉर्ट सेलिंग का लेवल रहेगा वन जीरो फाइव जीरो टारगेट रहेगा वन जीरो फोर फाइव वन जीरो थ्री एट और वन जीरो थ्री जीरो का स्टॉप लॉस रहेगा आपका वन जीरो सिक्स जीरो का अब बाई साइड का कैसे स्टॉप लॉस हिट होगा वन जीरो फाइव जीरो पॉइंट फाइव जीरो यानी कि वन जीरो फाइव वन से जब नीचे जाने की वैल्यू तब तो अपना स्टॉपलस हिट मान के ट्रेड से बाहर आएंगे उससे पहले इस वैल्यू पर अपना स्टॉप लॉस हिट नहीं मानेंगे क्योंकि कई बार ऐसा होता है इस वैल्यू पे होल्ड लेके स्टॉक ऊपर बढ़ जाता है आप स्टॉप लॉस का हिट मान के ट्रेड से बाहर आ जाते हैं और आपको लॉस हो जाता है बट जो है तीनों टारगेट प्राइस वो इजीली अचीव कर लेता है शॉर्ट सेलिंग का आपका स्टॉप लॉस लगाएंगे वन जीरो सिक्स जीरो पॉइंट फाइव जीरो पे और शॉर्ट सेलिंग का लेवल कैसे ब्रेकआउट होगा वन जीरो फाइव जीरो का वन जीरो फोर नाइन पॉइंट फाइव जीरो पे आप इसे शॉर्ट सेल करके चलेंगे और एक एक और चीज़ है कि आपको करना क्या है कि जब आपका पहला टारगेट प्राइस अचीव हो जाए तो उसके बाद आप अपना जो स्टॉप लॉस है उसे फर्स्ट टारगेट प्राइस पे शिफ्ट कर देंगे ऐसे में होगा क्या कि अगर जो स्टॉक है थोड़ा सा मूवमेंट दिखा के डाउन आने वाला होगा तो आपको लॉस बिल्कुल नहीं होगा पहला टारगेट प्राइस आपका अचीव होते ही आप क्या कीजिए अपना स्टॉप लॉस शिफ्ट कर दीजिए काफ़ी बार ऐसा होगा कि आप स्टॉक नीचे आएगा फिर दोबारा से ऊपर बढ़ेगा तो दोबारा आप बाय कर सकते हैं ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है दो या तीन बार लेवल ब्रेकआउट होगा तो दो तीन बार आप उसे बाय कर सकते हैं इससे ज़्यादा लेवल ब्रेकआउट भी नहीं होता है तो आप बाय कर सकते हैं दोबारा से इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि जो एक बार स्टॉप स्टॉपलस मतलब आपने टारगेट जो अपना स्टॉप लॉस था उसे शिफ्ट किया था फर्स्ट टारगेट प्राइस पे उसके बाद डाउन आया फिर दोबारा से ऊपर बढ़ने लगा और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दे गया तो उसमें आप दोबारा से बाय कर लीजिएगा दोबारा से बाय करने के बाद सेम रूल फिर से करना है दोबारा से टारगेट जो अपना स्टॉप लॉस था उसे शिफ्ट करना है फर्स्ट टारगेट प्राइस पर ये चीज़ बेसिक है बाकी एक और चीज़ है कि डाउन ट्रेंड या अप ट्रेंड में होगा स्टॉक तो आपको क्या करना है एक चीज़ मैं आपको चार्ट समझा देता हूँ तो जैसा कि मैंने आपके लिए सी का चार्ट खोल दिया है यही स्टॉक मैंने आपके लिए सेलेक्ट भी किया है तो देखिए कल क्या हो सकता है इसमें जो स्टॉक है गैप अप हो सकता है गैप डाउन हो सकता है गैप अप ओपन होगा तो उसके बाद वो है अपना गैप रिफ़िल करेगा ग्यारह बजे के अंदर अंदर अगर उसने गैप रिफ़िल कर लिया तो आप उस स्टॉक को ट्रेड आराम से कर सकते हैं उस स्टॉक में लेकिन अगर ग्यारह से ज़्यादा टाइम हो जाता है और स्टॉक जो है अपना गैप रिफ़िल नहीं कर पाता तो उस स्टॉक को छोड़ देंगे दूसरी चीज़ गैप रिफ़िल कैसे होगा बाइंग और शॉर्ट सेलिंग प्राइस के बीच में कहीं पर भी वो एक मिनट का होल्ड लेगा जैसे मान लीजिए ये आपकी बाइंग प्राइस है और ये आपकी शॉर्ट सेलिंग प्राइस है स्टॉक जो है आपका गैप अप ओपन हुआ है गैप अप ओपन होने के बाद ये डाउन आएगा और उसके बाद यहाँ पे मान लीजिए यहीं पे भी ये होल्ड ले सकता है एक मिनट का हमारी प्राइस है लगभग लगभग फिफ्टीन हंड्रेड एटी सेवन की तो फर्टीन फिफ्टीन हंड्रेड एटी सिक्स पर भी ये एक मिनट का होल्ड ले सकता है बस एक मिनट का होल्ड लेना है बाइंग और शॉर्ट सेलिंग प्राइस के बीच में फिर दोबारा से जब लेवल ब्रेकआउट होगा यहाँ पे तो आप इसे बाय कर सकते हैं ये तो होगा गैप अप ओपन होने पे गैप डाउन ओपन होने पे सेम कंडीशन होगी जो स्टॉक है वो ऊपर आएगा एक मिनट का होल्ड लेगा फिर दोबारा जब नीचे जाएगा तब आप इस स्टॉक को शॉर्ट सेल कर सकते हैं मैं। उम्मीद है ये सब चीजें आपको क्लियर होगी एक रूल में और आपको बताना चाहूँगा कि जब स्टॉक डाउन ट्रेंड में होगा तब पहला लेवल ब्रेकआउट आपको छोड़ना है वैसे ही उल्टा जब स्टॉक अप ट्रेंड में होगा तो पहला लेवल ब्रेकआउट आपको छोड़ना है अब पहला लेवल ब्रेकआउट किसका छोड़ना है ये चीज भी क्लियर करेंगे जब स्टॉक डाउन ट्रेंड में मान लीजिए ये जो स्टॉक है ये यहाँ से ओपन हुआ यहाँ से ये चलने लगा उसके बाद देखिए इसका जो ट्रेंड है ये यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये डाउन ट्रेंड है डाउन ट्रेंड के बाद हमने मान लीजिए स्टॉक जो था गैप अप ओपन हुआ था गैप अप ओपन होने पे ये कंडीशन अप्लाई होती है ज्यादातर तो स्टॉक जो है गैप अप ओपन हुआ गैप अप ओपन होने के बाद ये डाउन आया डाउन इतना आया अब मान लीजिए हमारी बाइंग प्राइस इस लेवल पे थी इस लेवल पे हमारी बाइंग प्राइस थी ये स्टॉक जो है गैप रिफिल किया डाउन पे आया लेकिन क्या हुआ कि उसी समय इसने होल्ड भी लिया और ऊपर बढ़ गया लेकिन जो स्टॉक है वो डाउन ट्रेंड में है स्टॉक डाउन ट्रेंड में है और इसने क्या करा हल्का सा हमारा लेवल ब्रेकआउट कर दिया अब ये तो गैप रिफिल करके आया है तो इसके लिए ईजी होगा हमारा लेवल पहली बार में लेवल ब्रेकआउट करना क्योंकि देखिए यहाँ से ये पहले नीचे आया तो हल्का सा स्टॉक अगर हल्का सा भी मूवमेंट देगा तो ये जो है हमारा लेवल ब्रेकआउट हो जाएगा ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि काफी बार स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस होते हैं इस चीज़ से आप सफर ना करें इसलिए मैंने ये रूल बताया है कि पहला लेवल ब्रेकआउट आपको छोड़ना है स्टॉक जो है जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप समझिएगा एक ये बाइंग प्राइस है ये शॉर्ट सेलिंग प्राइस है स्टॉक जो है कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में आ रहा है अपना जो है गैप रिफिल कर रहा है गैप रिफिल करने के बाद हल्का सा इसने होल्ड दिया और अब स्टॉक है अप डाउन तो करेगा यहाँ पे इसने हल्का सा अप करके ये जो है आपका बाय का लेवल ब्रेकआउट कर दिया और उसके बाद दोबारा डाउन आ जाता है तो इसीलिए पहला लेवल ब्रेकआउट जब स्टॉक डाउन ट्रेंड या फिर अप ट्रेंड में होगा पहला जो आपका लेवल ब्रेक है उसको आपको छोड़ना है अब डाउन जैसे अप ट्रेंड में कैसे होगा स्टॉक गैप डाउन ओपन हुआ अप अप आ आ रहा है रहा है हल्का सा डाउन आया और यहाँ पे इसने पहला लेवल ब्रेकआउट कर दिया और दोबारा से ये क्या करता है कि ऊपर बढ़ जाता है तो पहला लेवल ब्रेकआउट आप छोड़ेंगे यहाँ पे आने के बाद दोबारा ऊपर जाने के बाद ये दब दोबारा नीचे आएगा और यहाँ पे आने के बाद नीचे जाने के बाद जब ये हल्के हल्के करके पूरा अपना ट्रेंड अप ट्रेंड के लिए कर देगा और दोबारा ऊपर आएगा तब आप इसे बाय करेंगे पहला लेवल ब्रेकआउट छोड़ने का मेरी यही कंडीशन है और कोई कंडीशन नहीं है तो इस चीज को ध्यान रखेंगे बाकी मैं मॉर्निंग में 400 हंड्रेड टू सेवन हंड्रेड के रेंज में स्टॉक्स प्रोवाइड करता हूँ जिनमें आपको मिनिमम टेन पॉइंट टेन पॉइंट डेली के मिल जाते हैं आप अर्न कर सकते हैं डेली पॉइंट टेन पॉइंट्स एक स्टॉक से बाकी मैं फोर टू फाइव स्टॉक्स प्रोवाइड करता हूँ डिपेंड करता है आप कितनी ट्रेड करते हैं मिनिमम दो ट्रेड तो आपको करनी होती है तो इसका रिजल्ट भी हमारा काफ़ी अच्छा रहता है आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर में मिल जाएगा डेली के प्रॉफिट्स भी मैं आपको दिखा सकता हूँ फीडबैक भी दिखा सकता हूँ सब कुछ दिखा सकता हूँ तो डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा आप हमें कॉन्टैक्ट जरूर कर लीजिएगा अगर आपको भी चाहिए कि आपको भी स्टॉक्स में ट्रेड करना है वो जो कि रेंज में हो 400 टू 700 की मॉर्निंग में ये स्टॉक्स प्रोवाइड करता हूँ प्रोवाइड करता हूँ व्हाट्सएप पे तो आप हमें कांटेक्ट जरूर कर लीजिएगा बाकी टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन जरूर हो जाएगा क्योंकि मॉर्निंग में दो स्टॉक्स में वहीं प्रोवाइड करता हूँ दो स्टॉक्स में यहाँ पर दूंगा एक स्टॉक हमारा बचा हुआ है जो है सी तो सी में आप कैसे बाय करके चलेंगे एज यूजल जैसे लेवल ब्रेकआउट होगा वैसे आप इसे बाय करेंगे 1542 का लेवल ब्रेकआउट होगा आप इसे बाय कर लेंगे टारगेट रहेगा 1548, 1555 और 1565 का स्टॉप लॉस रहेगा आपका 1526 का शॉर्ट सेलिंग का लेवल रहेगा 1524 टारगेट रहेगा ट्वेल फिफ्टीन हंड्रेड और 1500 का स्टॉप लॉस रहेगा आपका 1540 का लेवल्स इसमें भी सेम रहेंगे जैसा मैंने अभी आपको बताया लेवल्स कैसे ब्रेकआउट होंगे इसमें भी वही रूल अप्लाई होगा व्हाट्सएप में भी वही रूल अप्लाई होगा अप हो और टेलीग्राम चैनल में भी वही रूल अप्लाई होगा बस एक चीज़ है कि जो 800 से नीचे के स्टॉक्स हैं उनमें टेन टे थर्टी तक आपको वेट करना है गैप रिफिल होने का और ये जो बड़े स्टॉक्स है 800 से उनमें आप इलेवन एम तक वेट कर सकते हैं उसके गैप रिफिल होने का बस इतना डिफरेंस है आज की वीडियो में बस इतना ही उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी आपको रूल फॉलो कीजिएगा आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिलेगा बाकी टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाएगा मॉर्निंग में दो कॉल्स में वहीं भी देता हूँ आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं आपको अगली वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद